नमस्कार साथियों, आज का मुद्दा है अविश्वास प्रस्ताव और पूरे देश में इस समय अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। तो एक छात्र के रूप में कुछ चीजें हैं जो कि बारीक हैं, जो कि आज हम लोग इसमें समझेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव संसद के अनेक संसद में जो तरह तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इसी प्रकार के अनेक प्रस्ताव लाए जा सकते हैं संसद में। उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव सबका अपना महत्व है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और इसका कारण ये है कि अविश्वास का प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि सरकार के विरुद्ध अगर चला गया, सत्ता पक्ष के विरुद्ध अगर चला गया, तो सरकार को अपने पद से त्याग पत्र देना ही पड़ता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव और जो प्रस्ताव होते हैं, अगर वो पारित नहीं होते हैं तो उसके उतने गंभीर परिणाम नहीं होते हैं, सरकार की थोड़ी किरकिरी होती है। लेकिन अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तब तो फिर सरकार को त्याग पत्र देने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है। तो अभी आपने जो देखा कि मोदी सरकार के विरुद्ध जो पहला अविश्वास का प्रस्ताव उनके 4 साल के कार्यकाल के बाद आया, वो गिर गया और भारी मतों से सरकार जीत गई, जो कि संभावित था, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये हैं कि भारतीय संसद में 15 वर्षों के बाद ये अविश्वास का प्रस्ताव आया था। इसके पहले, अगर आप लोग तो खैर बहुत छोटे रहे होंगे, इसके पहले 2003 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और वो प्रस्ताव सोनिया गांधी ने लाया था, कांग्रेस की सोनिया गांधी ने लाया था, वो प्रस्ताव भी गिर गया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बच गई थी, जिस प्रकार से कि मोदी की सरकार बच गई। तो 15 वर्षों के बाद ये कोई रोज रोज नहीं होता है कि ये प्रस्ताव, अविश्वास का प्रस्ताव आए। तो इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दैनिक दिनचर्या में तो और प्रस्ताव आते रहते हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव कभी ही कभी आता है। और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में अगर शुरू से देखा जाए तो नेहरू जी के समय में पहला अविश्वास का प्रस्ताव आया था और तब से लेके अब तक ये नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध जो प्रस्ताव आया है, ये 27वां प्रस्ताव था। तो आइए इसकी कुछ बारीक बातें समझते हैं कि ये अविश्वास का प्रस्ताव है क्या चीज। पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास के प्रस्ताव के संदर्भ में, कि अविश्वास के प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग समझते हैं कि शायद अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक हथियार होगा, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव संवैधानिक हथियार नहीं है, क्योंकि संविधान में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। न विश्वास के प्रस्ताव का उल्लेख है, न अविश्वास के प्रस्ताव का, किसी प्रकार के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। तो और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, ये वन लाइनर होता है, और इस प्रस्ताव में केवल ये लिखा जाता है कि इस सदन को सरकार में विश्वास नहीं रहा। दिस हाउस हैज नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक लाइन का छोटा सा दिखने में लगने वाला ये अविश्वास का प्रस्ताव, और इतना घातक होता है कि अगर ये संसद में पारित, ये सदन में, लोकसभा में पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है, सरकार को अपदस्थ माना जाता है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये एक लाइन का जो प्रस्ताव है, ये आइए देखें कि जब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तो फिर इसका आधार क्या है। ये एक अपने आप में हम छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज जानने की है कि जिस चीज का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है तो उसका कैसे प्रयोग होता है संसद में, और उसका वास्तव में आधार क्या है। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसका कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके 3 आधार की चर्चा की जा सकती है। पहला आधार इसका राजनीतिक आधार, राजनीतिक आधार। और राजनीतिक आधार का मतलब यह हुआ कि जो हमने संसदीय प्रक्रिया अपनाई है इंग्लैंड के पैटर्न पे, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, उस पैटर्न पे हमने ये प्रक्रिया अपनाई है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई है। और ये जो संसदीय प्रक्रिया होती है या संसदीय जो व्यवस्था होती है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि सरकार, जिसको हम सरकार कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, ये सब के सब
संसद के प्रति, संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि उनका अस्तित्व तभी तक बना रहता है जब तक कि सदन में उनको विश्वास प्राप्त होता है, अर्थात बहुमत प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है, आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जनता लोकसभा को चुनती है अपने प्रतिनिधियों के बाद में, हम जानते हैं वो एमपी चुनते हैं, और लोकसभा में कई दल होते हैं, आप जानते हैं किसी को कम किसी को ज्यादा, और जिस दल को सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, और अगर उसका आंकड़ा 50% प्लस वन से ऊपर है, जिसको कि बहुमत कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं, कि आधे से अधिक, तो आधे से अधिक जिसका बहुमत होता है, अर्थात 50% प्लस वन का जो आंकड़ा पार कर जाता है, उसको बहुमत दल का नेता, बहुमत दल कहा जाता है। और ये बहुमत दल अपना एक नेता निर्वाचित करता है, और ये नेता, इसको नियुक्त किया जाता है पीएम के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, और ये पीएम अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद बनाता है जिसको ही नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को भी नियुक्त करता है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बना या जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य बने, भले ही राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त किया, लेकिन वो इसलिए बने क्योंकि उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, बहुमत दल का समर्थन प्राप्त है, और संख्या बल उनके साथ है। तो चूंकि संख्या बल उनके साथ है, बहुमत उनके साथ है, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन सके। तो जाहिर है कि जिस समय उनके पास संख्या बल नहीं रहेगा, उस समय जाहिर है कि वो बहुमत दल के नहीं हो पाएंगे, बहुमत दल नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही वो बहुमत दल का अस्तित्व खोते हैं, तो उनके सामने संकट पैदा हो जाता है कि वास्तव में सदन का विश्वास उनके साथ है कि नहीं है। और इसलिए जो संसदात्मक व्यवस्था है, उस संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक बना रह सकता है जब तक कि व्यवस्थापिका में उसको बहुमत प्राप्त हो, उसको अनुसमर्थन प्राप्त हो। जिस समय व्यवस्थापिका में, अर्थात सदन के, संसद के निचले सदन में उसका विश्वास खत्म हो जाता है, उसको बहुमत खत्म हो जाता है, तो संसदात्मक प्रणाली में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो एक तो उसका राजनीतिक कारण है, लेकिन ये तो हुई राजनीतिक कारण की बात। आइए देखते हैं कि हमारे संविधान में इस राजनीतिक कारण को क्या मान्यता दी गई है या नहीं दी गई है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 75 है, और इसलिए जो दूसरा आधार है संवैधानिक आधार है। अविश्वास के प्रस्ताव का केवल राजनीतिक आधार नहीं है, उसका एक संवैधानिक आधार भी है। और बाकायदा ये जो राजनीतिक, मैंने आपको बात समझाई, इस राजनीतिक रिक्वायरमेंट को हमारे संविधान में लिख दिया गया है। और संविधान में दो आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75 क्लॉज सेक्शन 2 और आर्टिकल 75 सेक्शन 3। ये दो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दोनों चीजों का उल्लेख इन आर्टिकल्स में किया गया है जो हम लोगों ने अभी राजनीतिक संदर्भ में डिस्कस किया। जो अनुच्छेद 75(2) है, उसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित, वे सभी के सभी तभी तक अपने पदों पर बने रहेंगे जब तक कि उनको राष्ट्रपति का प्लेजर अर्थात प्रसाद प्राप्त है, राष्ट्रपति का संरक्षण प्राप्त है, राष्ट्रपति खुश है उनसे। तो अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति, तो आप जानते हैं कि हमारे देश में एक नॉमिनल हेड है, अगर राष्ट्रपति को इतनी बड़ी शक्ति दे दी जाएगी कि राष्ट्रपति खुश तो प्रधानमंत्री पद पर, और राष्ट्रपति नाखुश तो प्रधानमंत्री पद से हट गया, तब तो एक प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, अधिनायकवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए आर्टिकल 75(2) के साथ साथ आर्टिकल 75(3) की व्यवस्था की गई है,
और 75(3) में ये लिखा गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, अर्थात ये लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और इसका भाव क्या हुआ, इसका भाव ये हुआ कि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और पूरी मंत्रिपरिषद, इस पर कभी फिर चर्चा होगी कि इनमें क्या फर्क है, लेकिन इन ये तीनों सभी मिला के आपस में एक ऐसा समूह बनाते हैं जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, और ये पूरी की पूरी कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अर्थात अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो भी बात वही है, और अगर पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया तो भी बात वही है। और इस प्रकार से ये दोनों जो क्लॉज हैं ये एक संवैधानिक आधार प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कि हमारे संविधान में ये कहा जा सके कि हाँ भाई, जो राजनीतिक अवधारणा है कि हमारे संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, उसको लिख दिया गया है अनुच्छेद 75(2) और अनुच्छेद 75(3). यही चीज राज्यों में भी लागू है। राज्यों के भी विधानसभाओं में अगर आप जाइए तो राज्यों की विधानसभाओं में आर्टिकल 164(2), राज्यों में आर्टिकल 164(2), जहां पे कि राज्यपाल के अपॉइंट करता है मंत्रियों को, लेकिन वहां भी बिल्कुल शब्दावली वही प्रयोग की गई है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात जो राज्यों की मंत्रिपरिषद है राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य हो, दोनों जगह अविश्वास के प्रस्ताव का एक संवैधानिक आधार भी हो गया। लेकिन अभी तक यहाँ पे बात अविश्वास प्रस्ताव की नहीं आएगी, ये अविश्वास का प्रस्ताव कहां से आ गया इसकी बात नहीं आई। तो आइए देखें कि ये जो अविश्वास के प्रस्ताव के हम लोगों ने संवैधानिक आधार देखा, इसका अब विधिक आधार क्या है, जिसमें कि बाकायदा अविश्वास के प्रस्ताव की बात की गई है। तो इसमें आप सभी छात्रों को यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 118 अनुच्छेद 118, अभी हमने चर्चा की अनुच्छेद 75(3) की, अनुच्छेद 75(3) में तो ये कहा गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होगा मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति, लेकिन अब विधिक आधार तो है नहीं, तो कैसे उत्तरदायित्व का सुनिश्चित कैसे हो उत्तरदायित्व। तो आगे चल के 118 जो अनुच्छेद है 118, उसमें ये कहा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, अपने यहाँ की जो कार्यवाही है और अपने यहाँ की जो कार्यक्रम है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो इस प्रकार से संसद में, हमारे संविधान में आर्टिकल 118 है, वो आर्टिकल 118 ने लोकसभा को अधिकृत किया कि आप अपनी कार्यवाहियों को सुनिश्चित करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस बनाइए, और तब लोकसभा ने रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा ये बनाया, ये बाकायदा एक नियम बनाया गया। और ये नियम सरकार ने बनाया, जाहिर है कि लोकसभा सचिवालय के परामर्श से और तरह तरह के विशेषज्ञों के परामर्श से बना होगा, लेकिन ये नियम बनाया गया, और ये बाकायदा नियम संविधान की अनुच्छेद 118 के अंतर्गत बनाया गया। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 75(3) को एक अमली जामा पहनाने के लिए अनुच्छेद 118 ने अधिकृत किया लोकसभा को कि आप एक रूल्स बनाइए, और ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा बना, इसमें रूल 198, रूल 198, ये रूल 198 वास्तव में एक प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो नियम है, जो परिनियम है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसको उल्लेख करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो ये तीन प्रकार के आधार रहे,
राजनीति का आधार, संवैधानिक आधार और विधि का आधार, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से ये तीनों आधारों के माध्यम से हम लोग पहुंचते हैं कि हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए बाकायदा एक रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा एक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत, जिसके नियम 198 के तहत ये व्यवस्था है कि कैसे अविश्वास का प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया के बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो रूल 198 है, ये रूल है क्या, ये क्या कहता है। इसमें कुछ स्टेप्स प्रिस्क्राइब्ड हैं जो कि आपको जहन में रखने चाहिए। इसका कोई आपसे कोई पूछेगा नहीं कि साहब इसकी स्टेप्स बताइए, लेकिन आपको जानना चाहिए। सबसे पहला इसका नियम ये है कि संसद की कार्यवाही जिस दिन शुरू होती है, जब भी, जिस दिन भी आप देना चाहें अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना, 10 बजे सुबह तक दे देनी होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि 10 बजे तक, आप जानते हैं कि लोकसभा का अधिवेशन, लोकसभा का कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती है, तो 1 घंटे पहले अर्थात 10 बजे आपको जो लोकसभा का महासचिव होता है, लोकसभा के महासचिव को उसकी लिखित सूचना देनी होती है कि साहब हम एक अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। पहली चीज, हो सकता है एक से ज्यादा लोग अविश्वास का प्रस्ताव दे दे, जैसा कि नरेंद्र मोदी सरकार के केस में हमने देखा कि 5-6-7 लोगों ने अपने अविश्वास का प्रस्ताव सबने लोकसभा सचिवालय को दिया, तो लोकसभा सचिवालय जिस क्रम में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उस क्रम में उसको रजिस्टर में लिखता जाता है कि इनका प्रस्ताव प्राप्त हुआ, नंबर 1 पे इनका, नंबर 2 पे इनका, नंबर 3 पे इनका। उसके बाद सदन की कार्यवाही 11 बजे जब प्रारंभ होती है, तो सदन की कार्यवाही में, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 से 12 तक प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 तक प्रश्न वो शून्यकाल होता है, और जैसे ही बिजनेस शुरू होता है, लोकसभा का बिजनेस सेशन शुरू होता है, तो अध्यक्ष, ये बहुत सारे जो सदस्य जिन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी होती है, उनका नाम पढ़ के सुनाता है कि फला 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 ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है, या अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस ये रूल 198 के तहत दी हुई है। तो दूसरी चीज, स्पीकर सबके नाम पढ़ता है, और जाहिर है कि सबको तो इजाजत दी नहीं जा सकती, उसमें एक को वो इजाजत देता है, और वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए जिसका प्रतिवेदन, जिसकी नोटिस 198 के तहत सबसे पहले प्राप्त होती है, उसी को वो सबसे पहले कहता है कि आप इसमें अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि जो सदस्य जिसको अनुमति देता है वो पढ़ता है। आप जानते हैं कि प्रस्ताव एक लाइन का होता है, उसे पढ़ने में कोई समय नहीं लगता है, कि प्रस्ताव को सदस्य ने पढ़ा कि इस सदन को ये हम प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं कि इस सदन को सरकार में अब विश्वास नहीं रहा, एक लाइन का प्रस्ताव होता है, आधे मिनट में, एक मिनट में पढ़ दिया जाता है, वो पढ़ लिया उसने, उसके बाद जब उसका प्रस्ताव पढ़ देता है, तब सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें आता है अविश्वास के प्रस्ताव में, कि ये जो स्पीकर है लोकसभा का, जैसे सुमित्रा महाजन महोदय इस समय लोकसभा की स्पीकर हैं, तो उस स्पीकर को ये ओपिनियन बनाना होता है। ओपिनियन का मतलब अपना एक अभिमत बनाना पड़ता है, अपना एक मत बनाना पड़ता है कि वास्तव में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वो ऑर्डर में है कि नहीं, अर्थात प्रस्ताव ऑर्डर में है कि नहीं। अब ये बड़ा ही वाक्यांश अस्पष्ट है कि प्रस्ताव के ऑर्डर में होने का मतलब क्या होता है, और इसमें कभी कभी विवाद की स्थिति भी पैदा होती है, और उसमें खैर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रस्ताव में ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सदन को ऑर्डर में होना चाहिए और क्या चीज ऑर्डर में होनी चाहिए जिससे कि अध्यक्ष ये निर्णय ले सके कि हाँ प्रस्ताव ऑर्डर में है। और अगर अध्यक्ष को लगता है कि प्रस्ताव ऑर्डर में है, तो फिर उसके बाद वो अपना फिर
निर्णय सुनाता है कि हाँ प्रस्ताव ऑर्डर में है और कहता है सदन में कि जो लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, तो समर्थन में एमपी खड़े होते हैं और ये संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। स्पीकर काउंट करता है उन 50 लोगों को और समर्थन में अगर 50 लोग खड़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रस्ताव को अनुमति मिल जाती है कि वो प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखिएगा कि केवल लोकसभा में केवल और केवल एक यही अविश्वास का प्रस्ताव है जिसकी अनुमति स्पीकर नहीं देता है, जिसकी जिसको पेश करने की अनुमति सदन देता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि क्योंकि सदन को अविश्वास है सरकार में, तो ये प्रस्ताव ये है कि सदन को अविश्वास है प्रस्ताव में, तो सदन ही इसकी अनुमति देता है कि वास्तव में ये प्रस्ताव पेश किया जाए। ये इसकी सबसे बारीक चीज है अविश्वास प्रस्ताव की कि स्पीकर को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रस्तुत होने का अप्रूवल दे या न दे, बस उसको ये देखना होता है कि मोशन ऑर्डर में है कि नहीं। और एक बार अगर मोशन ऑर्डर में है, जिसको कि स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन अगर एक बार मोशन ऑर्डर में है तो इसका मतलब यह है कि सदन में 50 लोग खड़े होके ये इजाजत दे देंगे कि हाँ अविश्वास के प्रस्ताव को पेश किया जाए। और जब अविश्वास के प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत मिल जाती है उसके बाद स्पीकर का काम शुरू होता है कि स्पीकर 10 दिन के भीतर उस पर बहस की तारीख निर्धारित करता है और तब 10 दिन के अंदर बहस हो सकती है। वो 2-3 दिन में ही कर सकता है, वो 10 दिन के अंदर कर सकता है। ये स्पीकर का विशेष अधिकार है, सरकार से भी परामर्श करता है कि भाई कब आप लोग तैयार है बहस मुलाजे के लिए, और इस प्रकार से ये तय करके स्पीकर इसकी एक तिथि निश्चित करता है। और तब उस दिन जिस दिन भी बहस की तारीख निश्चित होती है उस दिन बाकायदा संसद में जितने भी दल होते हैं सभी दलों को अपने संख्या बल के अनुपात में समय का आवंटन करता है। स्पीकर जो है समय का आवंटन करता है दलों को और दल अपने अपने पैनल से बताते हैं कि हमारी तरफ से कौन बोलेगा, हमारी तरफ से सबकी सूचना अध्यक्ष के पास आ जाती है और इस प्रकार से सभी लोगों को एक निर्धारित समय, सभी दलों को समय मिलता है। और दल की ये प्रेरोगेटिव है कि वो किस सदस्य को ये अधिकार दे कि वो दल की तरफ से बोले। तो इस प्रकार से समय सीमित होता है, अध्यक्ष सबको उसी के अनुसार अनुपात में संख्या बल के अनुपात में समय निर्धारित करता है और उस पर खूब बहस मुबाजा होती है और अंत में प्रधानमंत्री को उस पर बोलना होता है, अपने सरकार के बारे में बताना होता है कि भाई जो भी कुछ भी बातें कही गई हैं विश्वास के संदर्भ में उसका वो उत्तर देता है और लास्ट में बिल्कुल जिसने प्रस्ताव पेश किया होता है उसको राइट टू रिप्लाई दिया जाता है 5-7 मिनट में, वो अपनी फिर बात को दोहराने की कोशिश करता है और तब अंत में सदन को प्रस्ताव पे मतदान करना पड़ता है और मतदान दो तरीके से होता है, पहले मौखिक होता है और फिर बटन दबा के लिखित होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, पहले पर्चियां चला करती थी अब पर्चियां नहीं चलती है, सभी सीटों में बटन लगे हुए हैं यस नो या एब्सटेंशन के, तीनों चीजें आप कर सकते हैं, 3 प्रकार के बटन लगे होते हैं और तीनों बटन में आप दबा के अपना बोर्ड पे मतदान रजिस्टर कर सकते हैं। तुरंत ही आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, तो इससे गणना में सुविधा होती है, तुरंत निर्णय देने में स्पीकर को सुविधा होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव पे कुल मिलाकर यह प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव पे अपनाई जाती है। तो ये प्रक्रिया के संबंध में हुआ। अब आइए देखते हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य में 3 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों के अनुसार ही उद्देश्य इसके अविश्वास प्रस्ताव के होते हैं। सबसे पहला तो उद्देश्य ये होता है कि अगर
जानते हैं कि हम लोग देख चुके हैं कि सरकार को संख्या बल होना चाहिए लोकसभा में, तो अगर लगता है विपक्ष को कि सरकार के पास संख्या बल नहीं है, सरकार अल्पमत में आ गई है, तो जाहिर है ऐसी सरकार को या तो स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, अगर वो नहीं देती है तो अब विपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है। ये सबसे वैलिड रीजन होता है अविश्वास प्रस्ताव को लाने का कि संख्या बल नहीं है, सरकार माइनॉरिटी में आ गई, अल्पमत में आ गई है और तब उसको हटाया जाना चाहिए। तो 198 के तहत अविश्वास का प्रस्ताव लाके अल्पमत की सरकार को हटाना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य या दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि ऐसी कोई सूरत पैदा हो जिसमें कि लगे पता नहीं सरकार बहुमत में है कि अल्पमत में है, बहुमत में है अल्पमत में है, और बिल्कुल जहां रेजर थिन मेजोरिटी होती है या सरकार का स्वयं सरकार को स्पष्ट नहीं होता कि कौन लोग हमारे साथ हैं कौन लोग हमारे साथ नहीं है, और बिल्कुल जब एकदम कांटे की मुकाबला होता है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्टता को क्रिएट करने के लिए कि वास्तव में सरकार कहीं बहुमत में है या अल्पमत में है, इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए, तो इसके लिए सबसे अंतिम हथियार होता है अविश्वास का प्रस्ताव। और इसलिए अगर कांटे की टक्कर हो गई पक्ष और विपक्ष में, तो ऐसे कांटे की टक्कर में इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय तभी होता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव होता है, क्योंकि अब सबको लगता है कि ये तो अंतिम हथियार है, सरकार को हटाना है तो हटाना है, सरकार के विपक्ष में मतदान करना है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि जब 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटाई गई थी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस समय स्पष्ट ही नहीं था कि सरकार के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, कौन इसके फेवर में मतदान करेगा, कौन विपक्ष में मतदान करेगा। और सरकार से अन्ना डीएमके की जो यूनिट था एनडीए से वो बाहर हो गया था, और उसने कहा कि मैं सरकार से बाहर जा रहा हूं, तो सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन फिर भी लगता था कि शायद सरकार एक आध वोट से बच जाए। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपीज थे, उन्होंने सरकार के पक्ष में मतदान नहीं किया, और न करने के कारण 270 पक्ष में और 270 विपक्ष में और 279 पक्ष में ये मतदान की स्थिति हुई थी। अर्थात एक वोट से 269 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मिले और 270 विपक्ष की को प्राप्त हुए, और इस प्रकार से एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। लेकिन वहां दूसरा मसला था, वो अविश्वास का प्रस्ताव एक प्रकार से नहीं माना जाता है, वो विश्वास का प्रस्ताव था वास्तव में, लेकिन फिर उस पर कभी चर्चा होगी। लेकिन बहरहाल वो सरकार गिरने का सबसे रेजर थिन उदाहरण है कि एक मत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, और ऐसी स्थिति में ये सुनिश्चित हो गया कि चाहे भले ही एक वोट से, लेकिन सरकार के पास संख्या बल नहीं है। तो ये तो हुआ तीसरी चीज। और तीसरी परिस्थिति होती है कि बहस को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना, जैसा कि अभी वर्तमान में हमने मोदी सरकार के केस में देखा कि जो लेटेस्ट अविश्वास का प्रस्ताव हुआ संसद में, उसमें सभी को पता था कि मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और कहीं कोई सरकार को खतरा नहीं है, विपक्ष को भी पता था, सत्ता पक्ष को भी पता था, लेकिन विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बनाया और ये कहा कि साहब इसी बहाने राष्ट्रीय बहुत सारे विषयों पे एक साथ चर्चा हो सकेगी, प्रधानमंत्री को घेरा जा सकता है, सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, बहुत सारी कमियां गिनाई जा सकती हैं, सरकार को भी मौका मिलता है कि वो भी अपनी बात रख सके, वो भी कहे कि नहीं भाई ये सब चीजें आरोप गलत हैं, ये आलोचनाएं ठीक नहीं है, वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है, जैसा कि हम लोगों ने देखा संसद में। और इस प्रकार सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को अपनी बात जनता के सामने रखने का मौका मिलता है, चूंकि सरकार की प्रतिष्ठा और सरकार के अस्तित्व पे संकट होता है, इसलिए पूरा देश अविश्वास प्रस्ताव को बड़े ध्यान से सुनता है और उस पर अपना अभिमत बनाता है। तो ये इसके तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लाने के, जो कि परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। और फाइनली कि अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव जैसे कि मैंने आपको बताया कि अविश्वास प्रस्ताव अगर
बहुमत में उस पर अविश्वास, विपक्ष के पास बहुमत होता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, उससे थोड़ी अस्थिरता पैदा होती है क्योंकि एकदम से सरकार का भी कार्यकाल कुछ होता है और एकदम से सरकार गिर जाती है, तो दो परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। एक तो यह है कि विकल्प विपक्ष कहे कि भाई हम सरकार बनाने की, वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार गिर तो जाती है लेकिन सरकार बनाने की विपक्ष की कोई स्थिति नहीं होती या विपक्ष की स्थिति नहीं होती है, तो ऐसे में फिर मध्यावधि चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है और मध्यावधि चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा संसदीय लोकतंत्र में एक सरकार का लोकसभा के प्रति और सरकार का कभी जनता के प्रति विश्वास और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का एक बहुत ही गंभीर ब्रह्मास्त्र है जिसका कि कभी ही कभी प्रयोग किया जाता है, और ये उद्देश्यों के अनुसार इसका प्रयोग, जैसा कि आपने देखा कि कभी किसी उद्देश्य की वजह से, कभी किसी उद्देश्य की वजह से होता है, लेकिन किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति में अगर कहीं सरकार के पास संख्या बल की कमी होती है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसीलिए अविश्वास का प्रस्ताव बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि आपको ये प्रस्तुतिकरण ठीक लगा होगा। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछने में संकोच न करिएगा। थैंक यू वेरी मच।